आलू वाले जीरो ला के डालना है दिया है कि आप भी मजबूत तकलीफ करता हूँ मैं यही कह रहा हूं कि हमारे नौजवान साथी लगातार ब्लड दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो नौजवान हमारा यूथ विंग है जिसका नेतृत्व अरुणदेव सिंह जी करते हैं, उनके साथी कपिल जी उनके महामंत्री हैं, दूसरे एक महामंत्री, पूरी टीम, पूरे डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट्स और उनके बूथ लेवल तक कमेटीज़ जो बनी हुई हैं, सब लोग इसके लिए जगह जगह ब्लड दे रहे हैं। जम्मू ही नहीं, कठुआ में भी, उधमपुर में भी, हर जगह। आने वाले समय में हम बूथ लेवल से दो दो आदमी को और तैयार करके इस ब्लड के अभियान को और रक्तदान के ओर बढ़ाएंगे, ताकि रक्त के कारण किसी को भी, हमारा कोई पेशेंट है, हमारा चाहे कोई बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है, नौजवान साथी है, कोई ना जाए, और भी कोई जनरल ओपीडी पेशेंट्स है, कोई किसी का ऑपरेशन है, कोई हमारा पैरामेडिकल का स्टाफ है, कोई पुलिस का है, चाहे हमारा कोई आर्मी वाला है, उसको ये ना लगे कि रक्त नहीं है रक्तदान। इसलिए हम इस बार पूरे देश में जो अभियान लिया है, हम हिंदुस्तान के जो ब्लड बैंक हैं उनको भर देंगे और आने वाले समय में ब्लड बैंक ब्लड को स्टोर करने के लिए अब जगह नहीं हो। इस तरह हमारा नौजवान जाग उठा है, जिस संगठन से हम हैं उसके सेवा ही संगठन है। हम लोग अगर सोशल काज में जुड़े हैं, सेवा के कारण जुड़े हैं। हर बच्चा बच्चा इस काम में लगा हुआ है, नौजवान रक्तदान के लिए लगे हुए हैं, कुछ फूड पैकेट्स तैयार कर रहे हैं, कुछ हॉस्पिटलों के अंदर जा रहे हैं। हर एक आदमी अपना अपना दायित्व इस वक्त निभा रहा है, चाहे वो NGOs हैं, चाहे हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे ट्रेड एसोसिएशंस हैं, हर एक आदमी इस वक्त लगा हुआ है, ताकि हम जो इस ये कोरोना वायरस है ना, हमने कोरोना को हराना है, हमने जीतना है उसी के साथ। वो दिन दूर नहीं जिस तरह पिछले साल भी हमने कोरोना को भगाया था, आने वाले समय में भी वो दिन जल्दी आएगा। डेथ रेट को भी शहर में कम करना है। हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, सीनियर्स हैं, जिस तरह काम कर रहे हैं, मैं जब आया यहाँ डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, इनको सल्यूट है। अपने बच्चे छोड़ के, अपने घर बार, अपने पेरेंट्स छोड़ कर किस तरह का ये काम करते हैं। कई डॉक्टर कहें कि इन दिन घर नहीं जाते हैं। हमारा काम है अगर